आज अपन लोग जाने वाले हैं एनिमल जू, जहाँ पे पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, व्हाइट टाइगर। भाई अब मेरे को लग रहा है भाई पैसा वसूल हो गया, क्योंकि ये देखो भाई इतना बड़ा और वो भी इतना पास है भाई। तो भाई ये पास से ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों अब आ रही है भाई धामन की असड़िया, धामन सड़िया। ये देखो भाई कितना ताबड़ दिख रहा है यहाँ करे भाई ये। सो भाई ये यहाँ बाहर में है और वो बिल के अंदर है दो चार। तो दोस्तों यह है कूड़ादान, आप लोगों ने तो कूड़ादान देखा नहीं होगा। Hey guys, welcome back to my channel। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में तुम्हारा भाई जाने वाला है भाई कानन पेंडारी एनिमल जू। हाँ आप लोगों ने सही सुना दोस्तों, आज अपन लोग जाने वाले हैं एनिमल जू, जहाँ पे पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स प्लस प्लस भाई बर्ड वगैरह, स्नेक वगैरह बहुत सारे जानवर देखने वाले हैं और काफी तगड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। और आई थिंक मैं भाई छोटा था, 6-7 साल का था, आई थिंक करीबन 6-7 साल का था ना, तब मैं गया था और मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है भाई कि क्या क्या मैं इतना जानता था कि एक शेर को देखा था भाई, लायन को, और काफी तगड़ा दिख रहा था भाई। बट छोटा था ना, छोटा था तब गया था भाई, और अभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है भाई। तो आज जा रहा हूँ दोस्तों घूमने के लिए, साथ में सौरभ भाई भी जा रहा है मेरे। ये देखो गाइस रेडी होके आ गया है, चेक आउट टावर दिख रहा है। तो दोस्तों अपन लोग दोनों भाई जा रहे हैं आज, और काफी तगड़ा और काफी मजा आने वाला है भाई। तो साथ में आप लोगों को भी पूरा वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिए और काफी मजा करिए भाई। तो अपन लोग जाएंगे, किस बाइक में जाएंगे पता है, कौन से बाइक में जा रहे हैं चलो उधर ही पूछते हैं भैया लोग किस किस बाइक में जा रहे हैं और मेरे को कौन सा बाइक मिला है। तीन बाइक है हमारे पास, CB7, SP होंडा और NS125। तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा परफ्यूम वाले का यार यहाँ का नहीं यस ले, पहले तो ही मार ले। तो परफ्यूम मार दो दोस्तों, उसके बाद फिर निकालता हूँ अपने बाइक को, देखते हैं क्या सीन होता है, कौन से बाइक में जाते हैं पता करते हैं भैया लोगों से। सो दोस्तों तो अपन लोग बाहर में आ गए भाई, और अपन लोगों को मिला भाई SP का चाबी भाई। ये देखो दोस्तों आज जाएंगे अपन अपने फर्स्ट बाइक में भाई, SP होंडा 125 में भाई। NS में तो हमारे मंजिल लिए जा रहे हैं सम्राट टंडन जी यूट्यूबर, और यहाँ का निसार भाई का भी बाइक आ चुका है जो कि बहुत ताबड़ दिख रहा है भाई। कल भाई इतना मेहनत करके धोया लड़का और काफी तगड़ा दिखता है भाई, भक्ता भी है भाई, 135 cc का बाइक है, इन सभी से बड़ा है भाई CC में, भक्ता भी है और अंदर में भाई CC से उधर देखो CC से वहाँ करने हैं, वहाँ करने हैं। तो दोस्तों अपन चलते हैं फटाफट, हम गनियारी पहुँच चुके हैं और भैया वहाँ पास पेट्रोल भरवाए और वो वहाँ पास खड़े हैं वो अपने दोस्त के साथ। भाई अपना बाइक पार्क कर दिए हैं और वहाँ करने से अपन लोग टिकट लेंगे भाई, और फिर वो लोग ना हमारा बाइक जो भी है शाम तक भाई अच्छे से रखेंगे, पूरे बिना स्क्रैच हुए भाई। सो गाइस तो यहाँ पे ये देखो ले लिए भाई, और मोटरसाइकिल का 20 रुपये, कार ऑटो जीप का 30 रुपये, बस ट्रक ट्रैक्टर 50 रुपये। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं भाई, इसमें क्या है बाइक वगैरह ना सेफ रहता है भाई पूरे समय तक। ऐसे भाई रोड के किनारे छोड़ देते हैं ना तो कई बदमाश बच्चे इधर उधर तोड़ फोड़ कर देते हैं, नुकसान भी हो जाता है, इसलिए भाई आप लोग भी किया कीजिए। और बाकी सही है भाई, उधर है भाई कानन पेंडारी। सो गाइस तो वही है भाई कानन पेंडारी, जाके भाई टिकट वगैरह ले रहे हैं साइड से और फिर चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अपन लोग आ गए भाई कानन पेंडारी के अंदर, गए एनिमल जू के अंदर भाई। ये देखो काफी तगड़ा काफी हरा भरा माहौल है भाई, ये नहीं इधर आके दिखा भाई। चेक करो गाइस काफी सही है ना, काफी भाई तगड़ा जगह है भाई, दोस्तों। तो सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ का ना भाई कुछ भी नहीं है, इधर नॉर्मली ऐसा बैठने का भाई झूला है छोटा मोटा पूरा, इधर भाई स्टार्टिंग के ना 2-3 एकड़ में ना भाई ऐसी टाइप है पूरा फैला हुआ, और उसमें झूला वगैरह और बैठने का साधन है, और मेन चीज स्टार्ट होता है दोस्तों आगे से भाई, जो कि बहुत दूर है। और आज लगता है भाई हमारा हालत भी होने वाला है, क्योंकि बहुत दूर हमको ना पैदल यात्रा करने पड़ेगा। तो गाइस हमारा कानन पेंडारी का पहला जिसे शुरुआत होता है चौसिंघा, क्या ही तगड़ा मजा आ रहा भाई, बहुत दिनों बाद आया हूँ भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, देखो ना क्या ही तगड़ा भाई। बट तीन ही चार है जो कि मेरे को पसंद नहीं आया भाई, यहाँ पास वगैरह से होता है ना काफी तगड़ा मजा आता भाई, एकदम पास में, इतना दूर है देखो ना भाई, पर सही है भाई। आप लोग सुन रहे हैं भाई मोर का साउंड भाई, क्या ही तगड़ा है भाई। तो चल के देखते हैं क्या सीन होता है। सो दोस्तों अभी मोर देखने के लिए आया भाई, ये देखो कितना तगड़ा है भाई, ये भाई पूरा पैंग फैला हुआ है ना, ये देखो भाई काफी सही है यार, क्या व्यू पा गया भाई अपन लोग तो, कैसे सर हाँ सही है ना, इधर आओ कुछ, इधर भी है एक मोर, क्या क्या भाई नीचे का
मन्ना तोता, ये देखो पर मोर ही मोर है भाई, तोता वगैरह तो एक भी नहीं दिख रहा है। बस बंदर है तो हम लोग डर रहे हैं देखने के लिए। भाई मेरे को सबसे अच्छा कौन सा लगता है पता है, जो व्हाइट कलर में होता है, और अभी उसी को देखने जा रहे हैं भाई। काफी तगड़ा, काफी मजा आने वाला है दोस्तों, तो फटाफट चलते हैं भाई। तो ये देखो भाई व्हाइट मयूर क्या ही तगड़ा दिख रही है, जूम आउट कर देखो दोस्तों क्या ही सीन है भाई, अच्छे से दिख भी नहीं रहा है यार, जाल है प्लस इधर ही आ गई है। ओए ओए सिर उठा ले। हाँ ये देखो दोस्तों, और यहाँ का नहीं दोस्तों, जस्ट इसके बगल में भाई चील, जो कि काफी तगड़ा और काफी प्यारा दिख रहा है भाई। एक ठन नहीं भाई, ऊपर ला देखा, ऊपर में तीन है और नीचे में भी दो है भाई, ये देखो दो, ऊपर में चार है, तीन चार है भाई। क्या ही व्यू मिला है ना, अपन लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अच्छा अच्छा। और यहाँ का नहीं भाई औल उल्लू, वो देखो वो अंदर में ये। तो गाइस इसमें कोटरी, ये देखो दोस्तों यहाँ करे भाई दो हैं, पानी पी लेके आए हैं भाई, क्या ही तगड़ा और क्या ही अच्छा दिख रहा है भाई। ये पास से दिखा सारा भाई, यो देखो यो, सही है भाई काफी तगड़ा दिख रहा है, काफी प्यारा भी है भाई ये, सही है भाई। उधर भी देखो इसमें बहुत सारा है दोस्तों, ऐसे देखने के बाद ना अच्छा लगता है भाई, बहुत सारा भाई, उधर भी बैठे हुए हैं। सो गाइस तो यहाँ पे अपन लोग अब देखने वाले हैं भाई कब्र बिज्जू, ये क्या चीज मेरे को पता नहीं भाई, पहली बार देखने वाला हूँ भाई, इसको देखो, इसको मोगली वाले में देखो भाई, मोगली कार्टून है ना, जंगल जंगल बुक है ना, उसमें देखो भाई, भूरिच भूरिच क्या है भाई, इसी को देखने वाले हैं भाई, जंगली बिल्ली। तो चलते हैं दोस्तों, मेरे को भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है भाई, और देखने का काफ़ी इच्छा हो रहा है भाई, बट ऑल इज वेल, धीरे धीरे करके देखेंगे ना दोस्तों। यहाँ पास हम देखने आए थे भूरिच, पर वो नहीं है, दिख नहीं रहा है, वो कहाँ पे है, वो शायद तक अंदर है बिल के। भाई देखते हुए अच्छे से नहीं बना है, इसलिए अपन लोग उधर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग भी उधर है तो जा सकते हैं भाई। सो दोस्तों तो आ गए, ये देखो भाई कितना ताबड़ दिख रहा है भाई, ओए इधर इधर देख के स्माइल कर दे हल्का सा, देख दे भाई स्माइल कर दे, नाराज हो गया लगता है सौरभ, सौरभ तू अपना चेहरा टाल भाई, चेहरा टाले, अबे नाराज हो गया तेरे से देख ना, हाँ दिख, दे दिया पोज, वन मिनट। तो गाइस ये चेक करो भाई, ये भाई जंगली बिल्ली, ओए इधर तो देख दे, अरे हमें लोग तो बंद कर दी बोलने के बाद, ये भाई क्या ही ताबड़ दिख रहा है देखो ना, अरे इधर तो आ जा, इधर दर्शन करा दे भाई, बंद कर दी। तो भाई ये काला हिरण है, लेकिन देखकर वैसे लग नहीं रहा है, पर सही है यार, क्या ही तगड़ा देखो ना, इतना बड़ा बड़ा भाई इसका, देखो ना सीन भाई, क्या ही तगड़ा, क्या ही अच्छा भाई। सौरभ मजा आया कि नहीं देखने में? इसको देखने में मजा आया भाई, वो कुछ खा रहे हैं वो लोग, काफी सही है भाई। ये चेक करो गाइस मेन हिरण भाई, और काफी तगड़ा और काफी सही भी दिख रही है भाई, काफी सही है भाई, देखो ना कितना ताबड़। सो गाइस तो ये चेक करो भाई, यहाँ का नहीं है सियार, गोल्डन जैकल जैकल, ये देखो भाई यहाँ का नहीं है छोटा छोटा, और मेन यहाँ का नहीं है भाई। सो दोस्तों तो यहाँ का नहीं अपन लोग देख रहे हैं भाई बब्बर से, वो देखो वहाँ का नहीं भाई, एक ही बस है ना, कुछ ज्यादा नहीं है, एक ही है भाई। छोटू इधर आना, थोड़ा सा स्माइल कर दे, ओ छोटू। ये रहा दोस्तों बब्बर से, देखो ना अच्छे से दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत दूर में है भाई, इतनी दूर से उतना दूर मतलब जूमिंग कर रहा हूँ तो और फटता जा रहा है भाई मेरा कैमरा, इसलिए भाई ये देखो। सो दोस्तों अभी देख रहे हैं भाई जंगली बर है, इसी को देखने के लिए भाई 20 रुपए का टिकट लिया भाई, क्या है यार कुछ भी, जंगली बर है, हम बर नहीं देखे क्या, कैसे सौरभ। सो भाई ये रहा दरियाई घोड़ा, और वो बहुत दूर पे है, वो अभी निकला जस्ट। सो गाइस अभी अपन लोग देख रहे हैं भाई सफेद बाघ व्हाइट टाइगर भाई, अब मेरे को लग रहा है भाई पैसा वसूल हो गया, क्योंकि ये देखो भाई इतना बड़ा और वो भी इतना पास है भाई, देखो क्या ही तगड़ा, ओए इधर 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 स्माइल कर दे छोटू, छोटू छोटू बोल रहा हूँ, एक रेप्टा में रो दूंगा उसकी, इतना ताबड़ दिख रहा भाई, ओए। तो दोस्तों अभी अपन लोग देख रहे हैं भाई भारतीय बाइसन, सर कुछ बताने वाले हैं। ये बाहुबली से लिया गया है, इसको वहाँ बाहुबली की शूटिंग के लिए लिए जाया गया था, और वहाँ पास लाकर छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पास उसके दो बच्चे हैं और उसकी पत्नी भी है जो इंतजार कर रही थी। भारतीय बाइसन,
क्या ही तगड़ा दिख रहा है भाई, देखो बॉडी बॉडी भाई, ये मेरे सिक्स पैक्स एब्स। सो दोस्तों वहां का नहीं देखो भाई, मगरमच्छ है ये, काफी तगड़ा और काफी सही है भाई, देखो कितना मजा आ रहा है भाई। मिनिमम जूम ये भाई, शुतुरमुर्ग यहाँ करें दोस्तों, देखो ओए स्माइल, थोड़ा सा स्माइल कर दे ओए। सो भाई ये पास से ऐसा दिख रहा है, काफी तगड़ा और काफी सही है भाई। सो भाई ये शाही इंडियन पोर्क्यूपाइन पाइन, पोर्क्यूपाइन। सो भाई ये एक यहाँ बाहर में है और वो बिल के अंदर है दो चार। अबे खा क्या रही है बे, अबे गोभी है क्या, अबे कुछ भी बंधा। हम यहाँ पास मंगरा देखने आए हैं। सो दोस्तों तो अभी मंगरा मछ देखने के लिए आया भाई, चेक करवाया, इस काफी तगड़ा और काफी सही है, बट अच्छे से नहीं दिख रहा है इसलिए भाई थोड़ा सा भाई कैमरा वैमरा देख के भाई मारने वाला हूँ पत्थर। देखते हैं भाई उधर, ये फर्स्ट वन तो अभी झूलना झूल रहे भाई, क्योंकि थक गया भाई इतने टाइम से, हालत गन हो गया था भाई, तो अभी हल्का सा मजा, टड़ा 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 बस। तो गाइस ये है जंगल का शेर हमारा, लॉयन द किंग, आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों, चार शेर जो कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। हाँ दोस्तों मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों ने वो लायन भाई कभी भी नहीं देखा भाई, शेर ये देखो जंगल का राजा भाई, चार जने, एक दो तीन और चार, वहाँ नहीं पांच है अंदर में भी है, ये देखो भाई मैं कभी झूठ बोलते नहीं, ये चेक करो भाई आप लोग पास देखो, यहाँ कने तीन है भाई, तीन शेर है और यहाँ कने भाई, ये देखो एक बैठा हुआ है यहाँ कने और एक अंदर में है भाई, पांच शेर है भाई। अब आप लोग बताइए आप लोगों ने कभी ऐसा शेर देखा है, ये सबसे खूंखार होते हैं जो भाई हमारे बिलासपुर सिटी बस में है भाई, बाकी किसी भाई किसी देश या किसी जिले में नहीं है भाई, आप लोगों ने देखा है तो कमेंट करिएगा। तो दोस्तों यह है कूड़ादान, आप लोगों ने तो कूड़ादान देखा नहीं होगा। सो दोस्तों तो यह देखो भाई, यहाँ कने है टाइगर, ये यहाँ कने है भाई टाइगर। सो दोस्तों यहाँ कने भाई तेंदुआ इंडियन लियोपर्ड, तो इसके बारे में कुछ अपन लोग जानकारी देखते हैं भाई, किसी के बारे में तो नहीं पढ़े थे तो इसके बारे में देखते हैं। तेंदुए विभिन्न प्रकार के रहवास ऊंचाई और तापमान में आसानी से अपने आप को ढाल सकता है, कहा मतलब ये ऐसा है दोस्तों कि किसी भी मौसम में ना ये अपने आप को आसानी से ढाल सकता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। और यहाँ कने भाई तेंदुआ, और यहाँ कने है बहुत बड़ा वाला तेंदुआ, गुलाबी कलर का तेंदुआ जो वाइट शूज पहन के आया है। तो यहाँ कने देख रहे हैं दोस्तों स्टार्क, स्टार्क बर्ड, ये देखो यहाँ कने है, क्या ही तगड़ा था भाई, क्या ही फ्लाई कर रहा, फ्लाइंग सही था भाई। इधर देखो और नीचे में ये देखो दोस्तों वाइट वाइट स्टार। गाइस बहुत टाइम हो गया मेरे को भाई, सबसे ज़्यादा देखने का मन था भाई स्नेक वगैरह, तो अभी अपन लोग देखने वाले दोस्तों और काफ़ी मजा आने वाला है, तो चलते हैं दोस्तों आइए। ये देखो स्नेक वगैरह भाई, तो एक एक करके दिखा दें दोस्तों अच्छे से। ये भारतीय अजगर है, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, ये देखो भारतीय अजगर, वो अंदर पे बड़ा वाला भारतीय अजगर है, अरे छोटा छोटा उनका बच्चा, ये देखो भारतीय अजगर। गाइस तो ये है दबोइया जदर्रा, जदर्रा फुसर्रा इसका नाम अपन लोग ये अपने साइड में बोलते हैं, और ये पास में ही है भाई, ये देखो पास है भाई। ये भाई क्या ही दिख रही है, देखो ये पास में ही ना, जूम नहीं किया हूँ ना, ये देखो पास में ही है भाई, और यहीं कहीं इसका सिर भी है, सिर एकदम पास में है, इसके अच्छे से नहीं दिख पा रही है, ये देखो इसकी आँख, इसकी आँख। यहाँ कहीं दोस्तों भारतीय अजगर जो कि वहाँ लास्ट में है, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये चेक करो गाइस, देखो लास्ट में इतना छोटा भाई, एक भी मजा नहीं आया देखने में। सो गाइस तो यह भाई भारतीय नाग, इसको गौहा डोमी भी बोलते हैं, और कई जगह तो इसको भाई किंग कोबरा भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, बोलते हैं ना। ये पास चेक करो गाइस, कितना ताबड़ दिख रहा है भाई, गुहा गुहा डोबी, यहाँ का नहीं देखो इतना बड़ा बड़ा भाई, सही है यार काफी तगड़ा गोज है इसमें। तो दोस्तों अब आ रही है भाई धामन की असड़िया, धामन सड़िया, ये देखो भाई कितना ताबड़ दिख रहा है, यहाँ का नहीं भाई, ये तीर माली जाना, ये सीन चेक करो गाइस, कितना ताबड़ दिख रहा है, ये देखो पास से भाई साहब, इधर देखो इतना बड़ा भाई, इधर का शरीर भाई पूरा काफी तगड़ा यार सौरभ भाई। यहाँ पास कोका टेला है तो बढ़िया दिख रहा है,
एक है और एक मटके के अंदर है, ये ऊपर में है दो चार बस। गाइस तो ये बजरी घर है, ये देखो छोटा छोटा भाई एकदम सा दिख भी नहीं रहा होगा अच्छे से आप लोगों को, ये देखो काफ़ी चल रहा है पर भाई। गाइस तो मैं आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि एक बहुत बड़ा हाथी टाइप का था जिसमें अपन लोग पहले मतलब तो पहला झूला था मैं, तो ये है गाइस ये चेक करो, ये देखो इतना बड़ा हाथी भाई। मैं सच्ची बोल रहा हूँ भाई और सच्ची बोलता हूँ भाई, तो पीछे तरफ से चढ़ने का था, ये सौरभ यहाँ का नहीं है और मैं चढ़ता हूँ दोस्तों, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ बहुत सारी जगह हैं जिधर से अपन लोग निकल सकते हैं, तो देखते हैं क्या क्या सीन होता है। यहाँ का नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो भाई मैं छोटे वाले से निकलूँगा। यू यहाँ करने से चढ़ने वाला है भाई, पहले बहुत मस्ती किया करता था, पहले छोटा था ना अब बड़ा हो गया हूँ, ये देखो बहुत बड़ा भाई काफ़ी सही है यार मज़ा देखो यार, छोटा छोटा और ये मिडिल वन और ये सबसे बड़ा भाई, और गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, और सीन में पड़ गया भाई क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना, मैं जा सकता हूँ क्या यार, मेरे को डर लग रहा है भाई। नहीं भाई हालत में हो गया यार, सबसे ऊपर नहीं देखो ना उतरते भी नहीं बना है यार क्योंकि ये छोटे बच्चे के लिए है ना, बट आप लोगों को दिखाने के लिए चढ़ गया हूँ, इधर छोटे से उतरता हूँ भाई क्योंकि मेरा हालत में हो रहा है। सहरा उतरूं अबे लगेगा तो आ गया तुम्हारा भाई टंडन आ गया, तो दोस्तों अभी चलते हैं भाई। तो गाइस तो कुछ भी मज़ा नहीं आया था, कुछ खास तो था ही नहीं, शेर वगैरह देखने में मज़ा आया था, शेर लायन वगैरह टाइगर वगैरह जो भी है बस, और कुछ नहीं था भाई ना, स्नेक देखने में मज़ा आया क्योंकि उतना खास कुछ है ही नहीं था, वो तो सब गाँव में देख लिया था भाई पहले ही नया, कुछ खास बड़ा वाला था या फिर जहरीला वाला होता ना तो अच्छा लगता। तो अभी अपन लोग जा रहे हैं दोस्तों घर, यहाँ से अब बाहर निकलने का एंट्री यहाँ है एग्जिट बाहर, उसके बाद फिर अपन लोग बाइक के पास, फिर बाइक को पकड़ के फिर सीधा घर, और अभी टाइम हो गया है कितना हुआ देख, अभी एक बज गया गाइस। गाइस तो तुम्हारा भाई निकल गया भाई घर, क्योंकि भाई कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा था, वैसे सभी देख लिए थे और उतना कुछ ज़्यादा खास तो नहीं था, बट भाई सौरभ का हाल बेहाल हो गया ये देखो भाई, क्योंकि भाई 3 से 4 किलोमीटर भाई पैदल यात्रा की है भाई, हालत बिन हो गया भाई, वो भी चल रहा है भाई काफ़ी तगड़ा वाला सीन है, इधर देखो जाएंगे फिर अपन फटाफट सो जाएंगे भाई क्योंकि हालत बिन हो गया भाई कसम से। सो गाइस तो तुम्हारा भाई घर पहुंच चुका है दोस्तों, और उतना ज़्यादा मेरे को मज़ा नहीं आया था भाई सच बोलूँ तो, बट आप लोगों को दिखाने के लिए लेके गया था और मैं भी थोड़ा नहीं दिखा था इसलिए मैं भी चला गया, बट उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था पर ठीक है भाई। और यहाँ का हमारा भाई निसार आ गया है वीडियो देखने के लिए। तो गाइस आज का मेरा ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है और मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा भाई वीडियो एडिट करते हुए, तो इस वीडियो को यहाँ पे ध्यान करता हूँ, आशा है कि आप लोग मेरा आज के ये वाला व्लॉग पसंद होगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दिया, साथ ही साथ चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, फिर मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक करें टाटा।